बम्बई निवासियों को मेरा प्रणाम, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेकर चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल। आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का। आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान भाकर खानी, इडली डोसे, मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई, हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति। और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाइयों, झूठ कहता है? हाँ, झूठ कहता है जो कोई धर्म को, आत्मा को, श्रद्धा को झुठलाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाएं और हवा खाने वाले उधर चले जाएं। खामोश, खामोश। सजनों, देवियों, ठहरो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है और मैं तुम्हें, अरे ठहरो, सुनो, मुझको सुनो, मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है, मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पास मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है। पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर, धोखा देकर, झूठ बोलकर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत। दांत दांत क्या? दांत यानी कि दांत, समझे ना भाई लोग, दांत। अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते, और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी, और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, उन्हें रोज सवेरे मेरे ईजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए। ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा। एक शीशी के दाम है चार आने, सिर्फ चार आने भाइयों। क्यों में लगाइए, लाइन में लगाइए।